आखिर क्या जरूरत थी? कौन है यार इस देश में वो पागल लोग जिन्होंने इस जैसे वाहियात घटिया शो की मांग की। वैसे मुझे पागल लोगों की जगह कुछ और यूज करना था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा द फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के बारे में। नाम देखो यार, क्या रखा है यार इस शो का। इसे नेटफ्लिक्स जैसे डंपिंग यार्ड में डाला गया है और इस शो को प्रोड्यूस किया है कलंक जैसी महान मूवीज बनाने वाले करण जौहर ने। कितना मस्त इंट्रोडक्शन मैंने तैयार किया। अरे एक चीज तो रहेगी, नेपोटिज्म की पैदाइश करण जौहर ने। देखो ये शो देखने का मन मैंने इसलिए बनाया था कि मुझे लगा कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ चटपटी चीजें मुझे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें चार औरतें दिखाई जाएंगी जो गालियां दे रही हैं और उनकी बेकार सी बोरिंग सी कन्वर्सेशन इसमें देखने को मिलेगी। और जो इसमें लिखा गया है द फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, मतलब मुझे बताऊं यार इनको जानता कौन है? टिटू तू जानता था क्या इनको, ये कौन है? देखो मुझे तो नहीं पता था ये कौन है। अब देखो यार मुझे उनके नाम तो याद है नहीं, इसलिए मैंने लिखे हैं जैसे महीप कपूर जो संजय कपूर की वाइफ है। संजय कपूर कौन सी मूवी में आया था? टीटू। सीमा खान जो सोहेल खान की वाइफ है, और इसके बाद नीलम कोठारी जो है ये कौन है? समीर सोनी की वाइफ है। इसके बाद लास्ट है भावना पांडे जो चंकी पांडे की वाइफ है। कमाल है यार, तुम इतना कैसे फूंक सकते हो यार? थोड़ा बहुत बचा के रख लो, आने वाले टाइम में क्या पता ये सब चीजें ना चले और तुम्हें मतलब अपने अपने डिप्रेशन दूर करने के लिए उस फूंकने का सहारा लेना पड़े, तो थोड़ा बचा के रखो ना उस चीज को। अब सच कहूं यार, मुझे इन चारों में से एक ही जो लेडी है सीमा खान, उनका मुझे लगा ये रियलिस्टिक है, उनका थोड़ा बहुत मुझे अंदाज वहां स्टाइल जो है वो मुझे पसंद आया। लेकिन बाकी जो तीन है वो क्यों, किस लिए, क्या वो कर रही हैं, क्या वो बोल रही हैं, उनको सच में मतलब क्या देके उनको कुछ डोज डोज दिया था क्या वहां पे, मतलब जब उनसे एक्टिंग या जो चीजें वो करवाई जा रही थी? नहीं सच में यार, मुझे वो जानना है इनके मेकर से, जब तुम लोग इस शो के बारे में सोच रहे थे, जो आइडिया तुम लेके आ रहे थे, तो मतलब तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि तुम बॉलीवुड वाइफ्स के ऊपर अगर शो बना रहे हो तो कुछ अलग ही ले लो। मतलब कि क्या जरूरत थी इन चारों को लेने की, जिसमें कि मतलब कोई जानता तक नहीं इन चारों को। अगर बना ही रहे हो ऐसा शो हो तो कम से कम ढंग का काम कर लो यार। और ऊपर से करण जौहर की जो बकवास चीजें, बकवास बातें इसमें सुनने को मिलती हैं, मुझे एक चीज बताओ यार, तुम्हारी ये वाहियात बातें सुनने से जनता को क्या मिलेगा, क्या फायदा हो जाएगा उन लोगों को? सच में तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक तो है ना यार, पागल पुगल तो नहीं हो गया ना तुम? मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे एक ब्रांड होता है, उस पे लोगों का यकीन हो जाता है, वो ब्रांड लोगों में यकीन दिलवाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करता है, वो मेहनत करता है, जिससे लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं और उस पर मतलब ये यकीन करते हैं कि यार ये जो ब्रांड है वो कभी भी खराब चीज नहीं निकालेगा, बहुत अच्छी चीजें निकालेगा। ऐसे ही करण जौहर वो एक ब्रांड बन चुका है हगने का। इस इंसान का नाम, वैसे इंसान तो है ना, हाँ, इस इंसान का नाम तुम कहीं भी किसी मूवी या सीरीज के अंदर देख लो, बस इतना समझ लेना इसमें मतलब पूरी ताकत लगा के हगा गया है। और क्या बोरिंग ट्रिप थी यार वो दोहा की यार, तुम सच में मतलब एक वो वाइन शैंपेन वो पीने के लिए तुम दोहा चले गए, अबे पागल हो गया यार तुम सच में यार। और जैसे कि सबको पता है कि करण जौहर नेपोटिज्म का बाप है, वो स्टार किड को अपने मतलब अपनी मूवीज में जगह देता है, उसको मतलब टैलेंट तो खुद भी नहीं पता, वो छांटेगा क्या किसी को, क्या खाक पता इसको टैलेंट। तो उसमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसने नेपोटिज्म की एक बात इसमें रखी गई है कि नेपोटिज्म कुछ नहीं होता, टैलेंट के ऊपर मैं काम देता हूं या फिर काम मिलता है, क्या कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? और तुम्हें इस शो में मोस्ट स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग जाह्नवी कपूर इसमें देखने को मिल जाएगी। पता नहीं ये क्यों दिखाई यार, किस लिए? वो जाह्नवी कपूर देखी ना यार, वो डल सी, और ऊपर से वो अनन्या पांडे मोस्ट स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, गुस्सा तो बहुत आ रहा था। कंट्रोल। इस पूरी ओवरऑल शो के लिए तो एक ही बात बोलूंगा मैं, सर ये तो टट्टी है। और नेटफ्लिक्स इंडिया सच में यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने जो डंपिंग यार्ड इसको बनाता जा रहा है, स्पेशली नेटफ्लिक्स इंडिया जिसके ऊपर एक से बढ़कर एक कचरा दिया जा रहा है, और वो इस कचरे को तो लेते ही लेते हैं। मतलब तुम क्या वो भांग पीकर बैठे हैं, तुम्हारे जो लोग इस तरीके के कचरे को वो खरीदते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि तुम यार हमें ले लो ना, हम कम से कम ढंग का काम कर लेंगे वहां पे। तुम ऐसे लोगों को मारो यार, लात मार के निकालो, ऊपर से वो प्रोपेगेंडा और दिखाते हैं कि तुम यार तुम उल्टे दिल लगे हुए हैं तुम्हारे सच में। अब देखो मेरी मति तो मारी नहीं कि मैं तुम लोगों को ये शो रिकमेंडेड करूंगा, तुम पागल पुगल मत हो जाना यार ऐसे शो देखने के लिए जो इसको नाम लिखा था फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, कितना बड़ा नाम इसमें लिख दिया। कंट्रोल। मेरी तरफ से इस शो को मैं दूंगा 0 out of 10, सर माइनस माइनस में होता ना मैं इनको, तुम मत देखना यार, बस इतना ही कहना चाहूंगा। जिन्होंने गलती से भी इसको देख लिया, और तुम बहुत बड़े वो बॉलीवुड वाले वो चमचे हो, वो निब्बा निब्बी हो, तो नीचे ना कमेंट में गाली लिखी ना, मैं सच में रिप्लाई मैं नहीं दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।